दुखों का संबंध कर्म से है, शनि से नहीं। शनि ग्रह का कोप कहना कुछ कठिन भी नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शनिदेव का कोप तो होता ही है, परंतु हम हर आने वाले दुख को शनि ग्रह तो नहीं कह सकते। कष्ट तो आते ही रहते हैं, हर कष्ट शनिदेव ही लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है, शनिदेव को छोड़कर भी संसार में बहुत से कष्ट हैं जिनका ज्ञान आम आदमी को नहीं है। हमारे ज्योतिष विद्या बताती है कि मानव के जीवन में उसके कर्मानुसार सुख दुख आते रहते हैं, परंतु हम इन सब दुखों को कैसे शनिदेव से जोड़ सकते हैं। दुखों का संबंध हमारे कर्म से है, कर्म ही सुख दुख का बीज है। आप जो भी बीज जैसा भी बीज बोगे वैसा ही तो फल मिलेगा। धर्म ग्रंथ यह कहते हैं कि उपासना करो, अपने प्रभुओं का स्मरण करो, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के अतिरिक्त सुरक्षित और हर देश हर काल के मनुष्य के लिए उपयोगी साधक है। स्वाध्याय मुक्ति मार्ग शांति मार्ग पर चलने वाले आजकल अनेक ढोंगी गुरु पैदा हो गए हैं जिन्हें स्वयं को तो ज्ञान नहीं परंतु काले भगवे और सफेद कपड़े पहन लेने से ना तो कोई गुरु बन सकता है। इसके लिए तो ज्ञान ही आवश्यक है, ज्ञान से ही शांति और उसी से मुक्ति ही मिलती है। शनि प्रकोप को कैसे टाल सकते हैं? जब भी किसी नर नारी पर शनि का प्रकोप हो तो हम उसे साढ़े साथी या ढैया कहते हैं। साढ़े साथी से बचने के उपाय। शनिदेव सूर्य पुत्र है, अन्य ग्रहों की भांति शनिदेव भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ज्योतिष विद्या में शनिदेव का एक विशेष महत्व माना गया है। जन्म कुंडली में उच्च स्थान पर बैठे शनि को एक विशेष देवता मानकर जब व्यक्ति का भविष्य देखते हैं तो उच्च स्थान पर बैठे शनिदेव की कृपा से यज्ञ यश ऐश्वर्य दीर्घायु और चिंतन शक्ति का विशेष रूप से दार्शनिक चिंतन का कारक होता है। विपरीत स्थान पर बैठा शनिदेव गरीबी गुलामी चिंता का प्रतीक माना जाता है, कष्टों का जन्मदाता भी वही है। शाम वर्ण शनिदेव काले हैं तो क्या हुआ, वे तो हर नर नारी की कुंडली में साढ़े सात वर्ष या ढाई वर्ष की दशा फल में रहते हैं। शनिदेव शुभ मुहूर्त में भी है तो अशुभ मुहूर्त में भी है। शुभ मुहूर्त का शनिदेव लोहे को सोने में बदल देगा और अशुभ मुहूर्त का शनिदेव सोने को लोहे में बदल देगा। नवग्रह मंडल का पूजन हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। सब ग्रहों में शनिदेव को ही अधिक बलशाली कहा गया है। नवग्रह मंडल में शनिदेव की स्थापना पश्चिम में है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी को हम मारक ग्रह के नाम से याद करते हैं। पुराणों में शनिदेव के कोप से कष्ट पाने वालों में स्वयं गणेश जी भी हैं। साढ़े सती से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करना जरूरी है। इसके लिए सूर्य और भैरव पूजन आवश्यक माना गया है। साढ़े साथी से बचने का एक अन्य द्वार है सूर्य की उपासना। साढ़े साथी से बचने के लिए एक विशेष द्वार है सूर्य की उपासना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य शनिदेव के पिता हैं, सूर्य की उपासना से भी शनि खुश होते हैं। अब एक पूजा करने का तरीका होता है जो इस प्रकार है। आमतौर पर किसी भी देवी देवता का पूजन प्रारंभ करने से पूर्व साधक को और यदि पुरोहित पूजन करवा रहा है तो दोनों को स्नान आदि नित्य कर्मों से निपटारा करने के लिए तैयार वस्त्र पहन लेने चाहिए। साधक को पूर्व सूर्य की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पूजन सामग्री को अपने पास रखें। सामान्य रूप से पूजन करने वाले मंडप के शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। शुद्ध शनि पूजन के लिए सरसों के तेल का दीप शुभ माना गया है। शनिदेव के चित्र को भी ऊंचे स्थान पर रखें। शनिदेव की उपासना अन्य सब देवताओं से भिन्न होती है। शनिदेव से पूर्व हम सूर्य और हनुमान जी की उपासना नहीं करते तो शनि की कृपा हम पर नहीं होती। सूर्य पूजा विधि शनिदेव के पिता सूर्य जी की पूजन शनि पूजन से यदि पहले किया जाए तो शनिदेव आप पर अति कृपा करेंगे। सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को ही की जाती है। इस आराधना से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सतुति बाल रवि दर्शन उपयुक्त मात्रा में गेहूं गुड़ कमल पुष्प केसर
लाल चंदन, लाल वस्त्र, तांबा, सोना, मणि आदि इन वस्तुओं में से अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी दान कर दे तो सूर्य देव आप पर कृपया तो करेंगे ही, साथ ही साथ शनिदेव भी आप पर कृपया करेंगे। सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले उठकर स्नान करके सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात कुछ भी खाना पीना वर्जित है। जो लोग सूर्य देव जी का व्रत रखते हैं वह दोपहर के पश्चात मीठा भोजन का सेवन करें। व्रत नमक के लिए वर्जित है। सोमवार को जैसे सूर्योदय हो फिर से पूजन करके जल देकर व्रत को खोल सकते हैं। सूर्योदय होते ही और तथा सूर्यास्त होते समय सूर्य का रंग लाल होता है, ऐसे ही गणेश जी और हनुमान जी का रंग भी लाल है, इसलिए सूर्य पूजन भी गणेश जी के पूजन की विधि के अनुसार ही किया जाए। सूर्य के लिए लाल फूल और लाल अक्षत लेकर ही उपासना करते हुए आह्वान करें। हे सूर्य आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, हे संसार को प्रकाश देने वाले स्वामी, आप मेरे कष्ट को दूर कर दो। मैं आपके सुपुत्र शनि देव की उपासना करके 7.5 से मुक्ति पाना चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।